वेलकम टू एजियनस्ट नो क्लासेस और मैं रमेश चौहान। रामधारी खंड हम अभ्यास एक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका प्रतिलेखन संख्या एक आज हम लिखेंगे और शब्दों को ध्यान पूर्वक और स्पीड की गति के साथ साथ लिखने का प्रयास करें। कोशिश करें कि हम इतनी बार लिखें ताकि हमारा एक भी शब्द उसमें से छूट ना पाए, तो ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। तो डिक्टेशन हम स्टार्ट करते हैं। शुरू। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पूर्ण विराम। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। पूर्ण विराम। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। पूर्ण विराम। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। पूर्ण विराम। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। पूर्ण विराम। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें। लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। पूर्ण विराम। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। पूर्ण विराम। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई, उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। पूर्ण विराम। इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। पूर्ण विराम। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण
करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। पूर्ण विराम पैरा। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफी मदद मिली है। पूर्ण विराम। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। पूर्ण विराम। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। पूर्ण विराम। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। पूर्ण विराम। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। पूर्ण विराम। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। संपूर्ण विराम।